जय हिंद जय छत्तीसगढ़। मैं हूं संजय सिंह सिंगर और आप देख रहे हैं केसीजी न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं, आज रामनवमी को लेकर हम हैदराबाद आए हुए हैं और हैदराबाद में राजा भैया को देखने के लिए और उनकी रामनवमी पर पहुंचने के लिए पूरे भीड़ उमड़ चुकी है। एक बार उनकी झलक देखने के लिए हम उसी चीज़ को कवरेज करने के लिए यहाँ हैदराबाद आए हुए हैं। अब कुछ ही समय में राजा भैया आने वाले हैं, उनके साथ साथ हम रामनवमी की जो रैली है भैया के आने के बाद ही शुरू होने वाली है और समय का बहुत सभी को इंतजार है। बस एक बार राजा भैया को देखना है। एक बार जय श्री राम का नारा लगा दो भैया। जय जय श्री राम। लोगों में देख रहे हो बहुत ही जोश है और एक बार राजा भैया को देखने के लिए, और इस बार बहुत लेट हो चुकी है रैली को लेकर, बस हम समय का इंतजार है और मीडिया के माध्यम से अब तक राजा भैया को कवरेज करने की कोशिश करेंगे। अभी राजा भैया यहीं आने वाले हैं और प्रभु श्री राम जी श्री हनुमान जी की पूजा करेंगे और यहां से पूजा करने के बाद भैया रैली के लिए प्रस्थान करेंगे। हमें बहुत कीमती समय मिला है, हम इसलिए आपको भैया को कुछ ही दिन में दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी आप देख सकते हैं राजा भैया अब प्रभु श्री राम जी और की पूजा अर्चना कर अभी तुरंत रैली के लिए प्रस्थान करेंगे। हम उसी को मीडिया के माध्यम से तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ना कवरेज। बस दो मिनट लगे भैया, बस दो मिनट, एक बार बस ले लेते हैं। हाँ कर रहे आ जा भैया। क्या लग रहा है माहौल? बहुत रश, बहुत खुशी है लोगों में, है ना। बोलते हैं कि हैदराबाद के जो से राजा भैया, राजा भैया के हम लोग वेलकम करने वाले हैं। नेक्स्ट सीएम, अच्छा तेलंगाना के सीएम। हनुमान चालीसा तो पढ़ी है यार, पहले बजरंग बली से ताकत तो ले रही है। आप स्पीकर के सामने मत आइए, स्पीकर के पीछे आइए भाई साहब। हनुमान चालीसा में सम्मिलित हुए उसके बाद हमारी विशाल श्री राम शोभा यात्रा भाई टी राजा सिंह जी की सदारत में। सर जी प्रारंभ कीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर बिमल जस। अभी आप देख रहे हैं मस्जिद के पास में रामनवमी की जुलूस पहुंच चुकी है। अब पूरे मस्जिद को आप देख सकते हैं, राम जो आज रामनवमी मनाया जा रहा है उसके यहाँ पर मस्जिद को ढक दिया गया है। इतनी तादाद में पूरा भीड़ पहुंची हुई है और लोगों में बहुत हुजूम की मात्रा भी है, हजारों की तादाद में लाखों आदमी पहुंचे हुए हैं। कोशिश करना और पूरे भीड़ यहाँ पे खचाखच में भरी हुई है, पूरे बोल सकते हैं जहाँ भी जितना भी भीड़ पहुंचे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सभी से लोग आए हुए हैं और बड़ी खुशी की माहौल बने। अभी आप देख सकते हैं पूरे भीड़ पहुंच चुकी है यहाँ पे मस्जिद के पास में और पूरे मस्जिद को ढक दिया गया है और लोगों में खूब खुशी की माहौल है। पूरे रोड भर पूरे भीड़ उमड़ी हुई है। क्या नाम है? कवरेज करना। बहुत खुशी का माहौल है, आज लग रहे हैं पूरा भगवान है, हैदराबाद हो चुका है। जय जय श्री राम। Thank you.
जैसा कि लोगों को इंतजार रहता है आज रामनवमी की, हम वही चीज़ आपको मिठाई के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हो कि हैदराबाद की सबसे बड़ी जो मस्जिद है इसी को लोग देखने के लिए आते हैं। आज रामनवमी को राजा भैया की रैली के दिन पूरे मस्जिद को कैसे ढक दिया जाता है आप बड़ी संख्या में देख रहे हो, पूरे लाखों के तादाद में पूरी भीड़ उमड़ी हुई है। कैमरा मैन कवरेज करने की कोशिश करना, बोला जय श्री राम जय श्री राम। लोगों में इतनी खुशी की माहौल है, पूरे सभी तरफ पूरे भीड़ उमड़ी हुई है, हम कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ उमड़ी हुई है। भाई कैसा लग रहा है भीड़ आज? बहुत अच्छी लग रही है भाई। क्या बोलना चाहेंगे इतना भीड़ देख के? बस मन खुश हो गया भाई। हाँ भैया, आपका नाम लेना चाहूंगा? ठाकुर राम गोपाल सिंह। आज इतना माहौल पर भीड़ उमड़ा हुआ है, लाखों की संख्या में पब्लिक पहुंची हुई है, क्या कहना चाहेंगे? ये सब राम भक्त है, पूरे हैदराबाद के भाग्यनगर के राम भक्त है, जो पूरे लाखों के लाखों में लोग साल भर साल भीड़ बढ़ते जा रही है। ये राम भक्तों का प्यार है और आज के दिन 500 साल के बाद राम जी उनके घर में उनका जन्मदिन मना रहे, इससे बड़ी बात और क्या होती? बोलो सियापति राम चंद्र की जय श्री राम। बस 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 प्लीज कम हियर। आ जा 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 जी, क्या नाम है आपका? यश। क्या रहता है माहौल आज का? जबरदस्त है, खाली आग लगाने का है। इतनी लाखों की संख्या पहुंची हुई, क्या कहेंगे? कम से कम 10 लाख पब्लिक है और ये खाली शुरुआत है। आने वाले टाइम में अपन काशी में भी जाएंगे, मथुरा में भी जाएंगे। लोकसभा को लेकर 400 पार की बात चल रही, क्या कहेंगे? 400 तो कम से कम है, मिनिमम 404 तो आती जा रही बीजेपी। राम मंदिर अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अभी आपका नाम देना चाहूंगा? मेरा विकास सिंह लोधे मेरा नाम। आज का माहौल देख रहे भैया, हैदराबाद में आज के दिन जाने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं, हम देख रहे हैं लाखों पब्लिक पहुंचे हुए। आप सब आपके सामने ही देखिए, आप लाखों करोड़ों करोड़ों भी हो सकती है आगे चल के संख्या। अभी तो 2 लाख से सीधा 2.5 लाख से सीधा 6 लाख पब्लिक हो चुकी है, अभी आगे भी राजा भैया के संग सैकड़ों लाखों पब्लिक आने वाली है। अभी जी जी, तो इतने भीड़ उमड़ रही है, अभी राम मंदिर के बाहर तो बात चली आ रही थी, इसमें क्या माहौल लगता है जैसे? इसके बाद अभी और हिंदू राज का सपना था अपना, हिंदू राज भी अपने बनने वाला है और बन के रहेंगे और आंखों करोड़ों का माहौल अपन देख सकेंगे, जब तो कोई कुछ भी कर नहीं सकता अपन। बहुत लोग बोलते हैं कि हिंदू राज बनेगा नहीं, लोग एकदम गुमराह कर रहे हैं। 2024 में जैसे कि मोदी जी 400 के पार आने वाले, उसके बाद संविधान भी बढ़ जाएगा, उसके बाद संविधान भी उन्हें बदल के रख देंगे, अखंड हिंदू राज बनेगा और बना के रख देंगे। राम मंदिर अभी झांकी है बोलते, राम मंदिर अभी तो झांकी है, काशी मथुरा अभी तो बाकी है। जैसे कि 2024 जैसे कि रनिंग चलेगा, काशी मथुरा की भी बारी आ जाएंगी। जैसा कि ज्ञानवापी मस्जिद का तो टाइम आ गया है और हमें पूजा भी स्टार्ट कर दिए। जी जी भैया, आपका नाम? अच्छा भाई, कौन गया जी आपका भाई? दीपक सिंह। मैं दीपक सिंह। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बोल, हम तो हिंदू राज बना के रहेंगे। तो हिंदू राज लोग बोलते हैं कि गुमराह किया जा रहा पार्टी के द्वारा, हिंदू राज से कुछ होगा? हम तो हिंदू राज बना के रहे, हमारे साथ राया, जब तक हमारे साथ राया सिंह है हम बना के रहेंगे, उनके साथ हम उनके पीछे ठहरेंगे।